मन चाहता है वैसा भोजन नहीं मिलता है तो दुख होता है, और जैसा नहीं चाहता है वैसा मिल जाए तो भी गुस्सा आता है। इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए? तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी वस्तु के प्रति मोह आसक्ति को त्याग कर संयम से ही इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। व्यक्ति की यह प्रबल इच्छा रहती है कि उसे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिले, और वह भी रोज मिले। दाल भात, पांच पकवान, मांस, मछली, दूध, अंडा, फल, मिठाइयां और दूसरे व्यंजन खूब मिले। जब भोजन में ये वस्तुएं उसे नहीं मिलती है तो दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी जीभ और उसके विषय यानी स्वाद या रस से मोह करता है, आसक्ति करता है, तृष्णा करता है, तो वह दुखों को न्योता देता है। लेकिन जब व्यक्ति सजग चित से मन को वश में कर ये जानकर भोजन करता है कि यह तो शरीर को स्वस्थ रखने और जीवन निर्वाह के लिए है, तो वह भोजन के रस या स्वाद का गुलाम नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। उसको जैसा भी भोजन मिलता है वह प्रसन्न मन से ग्रहण करता है, लेकिन उससे मोह नहीं करता। रोज वैसा ही मिलने की चाह नहीं रखता है। यदि बढ़िया व्यंजन भी मिले तब भी वह ये जानकर खाता है कि यह शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ ईंधन है, ऊर्जा का स्रोत है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि शरीर अनित्य है, बलवान हो या रूपवान, सबका मिट्टी में मिल जाना है, तो वह लोभ मोह आसक्ति से छुटकारा पाकर दुखों से मुक्त हो जाता है। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो।